ये विश्वविद्यालय जो है मेरे बहुत करीब है, मेरे जीवन की जो दिशा है उसके बहुत करीब है। आपको, आप सब छात्रों को जो दिया जा रहा है वो संस्कृति की वो महक है जिसके लिए शहर में और विदेशों में हम सब बहुत सारे लोग बहुत प्यासे हैं। और इतनी खूबसूरती से आप लोगों को जो दिया जा रहा है वो मेरे हृदय को प्रफुल्लित करता है, मेरी आत्मा को बहुत शांति देता है। कल शाम को हम लोग को अवसर मिला कि हम लोग ने आपकी फिल्म को देखा जो आपने बनाया, सबको बहुत ही दिल से वो अच्छा लगा। उस दौरान जो आपके अनुभव हुए जिसको आपने उस समय शेयर किया था, एक बार हम चाहेंगे फिर से आपने बताया। आज तक बड़े सारे देशों में मैंने अपनी फिल्में दिखाई हुई हैं। हिंदू नेक्टर भी बहुत ट्रैवल की है इंटरनेट के माध्यम से। सिर्फ 3 हफ्तों में करीबन 13,000 व्यूज़ हो चुके हैं फिल्म के। मगर ऐसी जो ऑडियंस है, इतनी ग्राहकता मैंने कहीं नहीं पाई सच में। एक तो हॉल आप सब लोगों ने देखा, पूरा भरा हुआ था और ऐसा माहौल था जैसे कि मैंने कहा था शुरुआत में, सत्संग हो रहा है। एक होता है सत्य में अपने आप भीतर डाइव करना, एक होता है सामूहिक रूप में उसकी धार में बहना। और जितनी मैं कहूँ गायत्री को आप सूर्य की फेमिनिन एनर्जी कहते हैं, और सच में वो पूरी एक तो आपका जैसे ये मृत्युंजय ऑडिटोरियम बना है, यूजुअली थिएटर्स जो होते हैं, ऑडिटोरियम्स होते हैं, बिल्कुल फ्लैट और स्क्वायर स्ट्रक्चर के होते हैं। जिस डिज़ाइन से आपका बना है वो भारतीय एस्थेटिक्स को और निखारता है। कर्व्स, हमारे यहाँ आप हमारे एंशियंट स्कल्पचर्स को देखिए, हमारे यहाँ कर्व्स पे बहुत एम्फेसिस है। अगर कहीं पे कोई स्ट्रेट चीज़ होगी उसके बिल्कुल साथ एक कर्व होगा। जो शिव सूत्र की बात हो रही थी, एक देवी और शक्ति और शिव का साथ होना, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का एक साथ समावेश, वो बहुत ज़रूरी है। एंड आपके स्पेस में वो फीलिंग है, आप लोगों के भीतर वो फेमिनिन रिसेप्टिविटी है, ताकि ऐसी जो फिल्म बनी है, जो कहानी कही जा रही है, वो आपके भीतर बहुत आसानी से और बहुत मासूमियत से सिर्फ ड्रॉप इन कर जाए। मेरे ख्याल से वो मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत रहा। जैसे एक विश्वविद्यालय का नाम ही होना देव संस्कृति विश्वविद्यालय, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे जैसा कि आपने देखा होगा कि मैक्सिमम यूथ्स थे जो आपकी उस फिल्म को देख रहे थे, तो इस युग में ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय की अवधारणा आपको कैसे अफेक्ट करती है? मैं आपको बताती हूँ, मैं उसी दुनिया से आती हूँ जिससे शालिनी आती हैं, जहाँ पे वो कह रही थी कि इंटेलेक्चुअली अगर आप रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो आपको थोड़ी अटपटी नज़र से पक्का देखा जाता है। जब बात आई कि मैं हिंदू धर्म पर और हिंदुओं पे एक फिल्म बनाऊंगी, तो मेरे बड़े सारे फ्रेंड्स ने मुझे कहा, अब तक मैंने क्लाइमेट चेंज पे फिल्म बनाई है, मैं एनवायरनमेंटल फिल्म मेकर रह चुकी हूँ और आप सबकी कृपा से बहुत वेल रिसीव्ड रही हैं, काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं। मेरी पिछली फिल्म जो क्लाइमेट चेंज पे थी उसे वाइल्ड स्क्रीन पांडा, जिसे ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, उसके लिए नॉमिनेट की गई थी। तो देश विदेश में बहुत बहुचर्चित रही हैं फिल्में, मगर एनवायरनमेंटल फिल्म मेकर से आप बना रही हैं फिल्म रिलीजन पर, सबसे पहले आपके दोस्तों ने आपको देखा और बोला कि आकांक्षा आपको क्या हो गया, हिंदुओं पे फिल्म बना रही हो, यानी कौन सा एंगल ले रही हो, पॉलिटिकल एंगल ले रही हो, कास्ट स्ट्रक्चर की बात कर रही हो, क्या बात हो रही है? हर धर्म जो होता है बीज की तरह होता है, बीज का खोल सख्त होता है, अंदर बिल्कुल मासूमियत धड़क रही होती है, वही मासूमियत एक पेड़ को
जन्म देती है। मेरा पूरा एम्फसिस रहा था, जो डॉक्टर प्रणव पांडे आज बोल रहे थे, उस मासूमियत को निखार कर लाना जो हर धर्म के अंदर, आप कोई भी ले लीजिए, उसके अंदर धड़क रही है। सो मटीरियलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, क्लाइमेट चेंज, एकोलॉजिकल डिजास्टर्स, सिर्फ एक एक्टिविस्ट लेवल पे इनकी बात नहीं की जा सकती। जब तक आप नहीं जानेंगे कि वही पेड़ आपके, वही नदी आपके शरीर के भीतर बह रही है, वही फ्लावरिंग आपके भीतर संभव है, जब तक इनर इकोलॉजी आउटर इकोलॉजी के साथ नहीं जाती, बात नहीं बन सकती। और इनर इकोलॉजी का माध्यम सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल सीकिंग है, स्पिरिचुअल सर्च है। लास्ट क्वेश्चन है कि एक वजह से चर्चा हुई कि जिस जगह से हम लोगों ने प्रोजेक्शन किया मूवी का, वो वही जगह है जहां हमारे चांसलर सर हम लोगों को गीता और ध्यान की जी हम लोगों को देते हैं, युवा बैठ के उनको सुनते हैं, उनको समझ में भी आती है। एक ऐसा विश्वविद्यालय जो इस तरह का काम कर रहा है, तो भविष्य में जिस सोच के साथ आप आगे बढ़ी हैं, इस विश्वविद्यालय के साथ जुड़ के आप क्या क्या नए आयाम देख रही हैं? मैं कहूँ, एक जो हमारी जब से भारत आज़ाद हुआ है और बॉलीवुड ने कहीं एक सांस्कृतिक रूप पे, चाहे वो यू नो सॉन्ग डांसेस हों, उसके रूप में प्रिजर्व किया है, मगर जो कहानी कहने की शैली है, जो हमारे एंशंट स्क्रिप्चर से आती है, जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की बात की थी, जो मिसिंग हो गई है। जर्नलिज्म तो आप भूल ही जाइए, मगर मैं आपको डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के बारे में भी कहूँ, जो बिल्कुल ड्राई कट टू कट हो चुकी है, हमको कोई कहानी कहनी है, टू द पॉइंट कहनी है, हमारा कभी वो मतलब नहीं था। हम पुराण के देश से आते हैं, हम रास के देश से आते हैं, हम भरतनाट्यम के देश से आते हैं। हमारे यहाँ कहानियाँ हमेशा एक ग्रेस के साथ कही जाती हैं, मेटाफोरिकली कही जाती हैं, हम माइथोलॉजी का देश हैं। और हमारे यहाँ वो शैली जो है कहानी कहने की, इंक्लूडिंग अबाउट वेरी पर्टिनेंट थिंग्स लाइक पॉलिटिक्स, लाइक सोशल रिफॉर्मेशन, लाइक अबाउट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, वो कहानी कहने का तरीका कहीं हमने खो दिया है। और वो हमारी एडुकेशन से बहुत लेना देना है उसको, जिस तरीके से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आया है हमारी एडुकेशन में, और आप लोगों के पास वो क्या कहें, वो पूरा ग्राउंड अवेलेबल है जहाँ पे वो शैली को फिर से रिवाइव कर लिया जाए। और जैसे आप लोगों को छुई, आपने ये नहीं कहा कि मुझे इंटेलेक्चुअली सेंसेशन मिला, आपने कहा हमको हार्दिक रूप से छुई, ये भारत का तरीका है, हृदय को स्पर्श करना और उसके बाद उसकी मर्जी पर छोड़ना। नमस्कार।